नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, जहां पूर्व महापौर अनिल शर्मा का निधन हो गया। कानपुर के पूर्व मेयर अनिल शर्मा को उनके अजीज प्यार से उन्हें अन्नी भैया कहते थे। उनके निधन ने उनके प्रियजनों के साथ सियासी गलियारों में भी शोक भर दिया है। अनिल के पिता रतनलाल शर्मा भी 70 के दशक में कानपुर के मेयर रह चुके हैं। वह कांग्रेस के कदावर नेता में एक थे। कानपुर के विकास और विस्तार में उनका अहम योगदान रहा है। बड़ी बात तो ये है कि मूल रूप से ये शर्मा परिवार राजस्थान का है, पर कोई 70 साल पहले रतनलाल शर्मा कानपुर आए और बड़ा कारोबार जमाया था। कानपुर में कई आवासीय योजनाएं उनकी देन हैं। एक समय तो ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस तो रतनलाल चलाते हैं। न जाने कितने नेता तैयार किए और बहुतेरों की आर्थिक मदद करते रहे। साथ ही उनका राजनीतिक सफर बड़ा रोमांचक रहा। अनिल शर्मा ने कांग्रेस के टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ा और तब के सिटिंग मेयर दिग्गज नेत्री सरला सिंह को हराया था। अपने मेयर कार्यकाल के दौरान अनिल शर्मा ने सुअर हटाओ अभियान शुरू किया और अंजाम तक पहुंचाया था। अन्नी भैया दोस्त के साथ कुछ भी कर सकते थे। कुछ नेता कारोबार और पत्रकार से उनकी गहरी दोस्ती थी। वह कोई व्यक्तिगत फैसला भी मित्रों से मशवरे के बाद ही लेते थे। वही अपनी अदा, अपनी जिद और अपने सिद्धांत पर राजनीति करते थे, इसलिए ज्यादातर स्थानीय नेताओं से दूरी बनाकर रहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।